मैं आता हूँ उस्मान काकड़ साहब के वाक़े पर, अपने पार्टी की तरफ से, साथियों की तरफ से मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। एक नडर सियासी कारकुन थे, मज़लूम महकूम अकवाम का भरपूर नुमाइंदगी की उन्होंने ऐवान बाला में। बलोचिस्तान में होने वाले जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमेशा वो बोलते रहे। उनकी खिदमात को मेरी पार्टी की तरफ से खराज अकीदत, और ख़ुसूसन मुल्क में जमहूरीत की बहाली के लिए उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। ऐवान बाला में उन्होंने जिन कुव्वतों पर इशारा किया था, अपने साथ होने वाले वाक़े का जो रूनुमा हुआ, मैं समझता हूँ उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ कम अज़ कम एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जो उसके पसमानदगान की तरफ से दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए जो उसके पार्टी वाले कह रहे हैं, न कि सिर्फ अपनी मर्ज़ी पर मुसलत की जाए और इस चीज़ को जो है किसी कूड़े करकट में फेंक दिया जाए। इस तरह हमारे वो नौजवान कई सालों से जो हैं गायब हैं, उनको लाना चाहिए जनाब स्पीकर। और मैं समझता हूँ आपका चेयर कम अज़ कम जो हमारे मौजूद मेंबरान की जो पगड़ी उछाली गई, जो दस्तार गिराए गए, हमारी बहन की दुपट्टा जो खींचा गया, मैं समझता हूँ ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आने वाले वक्त में बलूचिस्तान में होने वाले इस तरह के वाक़यात की तदारुक और रोकथाम की जा सके। थैंक यू जनाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।